हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल एसआर सचिन एसआर में। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक नई टीवीएस ने गाड़ी लॉन्च कर दी है। जी हाँ, नई टीवीएस ने गाड़ी लॉन्च कर दी है जिसका नाम है जुपिटर। जी हाँ, मॉडिफाई करके टीवीएस ने जुपिटर को लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जैसे होंडा एक्टिवा ने एक्टिवा 3G के बाद, एक्टिवा 4G के बाद एक्टिवा 5G लॉन्च किया, वैसे ही टीवीएस ने भी लॉन्च लॉन्च कर दिया है जुपिटर। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, जुपिटर को लॉन्च कर दिया है, जिसमें उन्होंने क्या क्या फंक्शन दिए हैं ये अभी आपको वीडियो में दिखाई पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसमें क्या क्या फंक्शन दे रखे हैं उन्होंने। तो उन्होंने सबसे पहले जो हेडलाइट है उसको चेंज करके उन्होंने LED हेडलाइट कर दिए। जी हाँ, जो BS4 मॉडल आ रहे हैं उनमें अक्सर करके LED हेडलाइट या फिर हेडलाइट हरदम जलती रहती है, तो इस वजह से उन लोगों ने LED हेडलाइट कर दी है। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया है, उनके जो अलॉय व्हील है उनको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा क्रोम फिनिश का अलग से एडजस्टिंग की है। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट उसके जो मिरर्स हैं उन्होंने उस पर भी क्रोम फिनिश किया हुआ है। उसके बाद उन्होंने थोड़ी गद्दी को सॉफ्ट बनाया। उसके बाद उन्होंने जो उनकी फुटरेस्ट थी उसको भी थोड़ा अच्छा लुक दिया। इंजन में पावर थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। और सबसे जो मेन बात है वो है इनकी LCD। इन्होंने LCD में डिजिटल मीटर का प्रयोग किया है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, डिजिटल मीटर, साथ में इको इको एडजस्टर, ये ट्रिप मीटर के साथ आपको मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जुपिटर की हेडलाइट, ये LED हेडलाइट इन्होंने कर दिया है और इनमें कई मॉडिफिकेशन अच्छे अच्छे किए हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छा लुक देने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो इनकी LED हेडलाइट है उसके किनारे किनारे क्रोम फिनिश कर रखे हैं और इन्होंने नीचे भी एक मैटर गार्ड के आगे क्रोम फिनिश का लोगो लगाया हुआ है देखने में, ताकि अच्छा लगे। और भी इनके कई मॉडिफिकेशन अच्छे अच्छे हैं। जैसे कि इंडिकेटर की बात करें तो इनके इंडिकेटर बहुत ही अच्छे लगते हैं और इनके जो किनारे हैं क्रोम फिनिश का इन्होंने बहुत ही अच्छा लुक दे रखा है कि जिससे इंडिकेटर जले तो चारों तरफ बिखरे। आप इसमें हाथ लगा के देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और इनके फ्रंट अलॉय व्हील की बात किया जाए तो इसमें डिस्क ब्रेक भी मिल जाते हैं, अगर आप चाहें तो डिस्क ब्रेक ले सकते हैं। अलॉय व्हील इनके बहुत ही अदर स्कूटर के मुकाबले बहुत ही अच्छे हैं। और ये जो अलॉय व्हील है ये है ट्यूबलेस टायर अलॉय व्हील। और यहाँ पर आपको जो इसका जो पेंट है ये हल्का ब्लू में चमकीला देखने को मिल जाता है। और जो इनके साकर ऑब्जेक्शन है ये वो बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पर आपको एक लोगो मिल जाता है। आगे के फ्रंट लेवल में आप देख पा रहे होंगे मिरर जो है इनके क्रोम फिनिश के साथ है। TVS का जो लोगो है वो भी क्रोम फिनिश के साथ। इंडिकेटर की तो बात ही ना करिए, बहुत ही अच्छे लुक देने वाले हैं। और यहाँ पर आपको डिजिटल मीटर मिल जाता है, जैसे कि फ्यूल इंडिकेशन और ट्रिप मीटर, इको मीटर, टाइमर सब कुछ मिल जाता है आपको। यहाँ पर 3 ट्रिप मीटर मिल जाते हैं। इस LCD में ब्लू कलर का लाइट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप अगर हेलमेट लगाएंगे तो आपको हेलमेट का भी शो करने लगता है और आपके स्टैंड भी दिखाने लगता है। यहाँ पर आपको 90 तक का स्पीड मिल जाती है अच्छी खासी। और यहाँ पर आपका जो ये इको मीटर है ये बताने लगता है कि आप 50 के नीचे चल रहे हैं, 50 के ऊपर चल रहे हैं, ये बताने लगता है यहाँ पर इको मीटर। और यहाँ पर आपको फील इंडिकेटर मिल जाता है, अपर डिपर मिल जाता है, किनारे साइड में इंडिकेटर लाइट्स के इंडिकेटर मिल जाते हैं। और आपको यहाँ पर जो किनारे जो बटन दिखाई पड़ रही है, ये इको मीटर या ट्रिप लगाने की बटन है, ये आप इसको दबाएंगे तो ये ट्रिप दिखाने लगता है। सर्विस इसमें भी बताने लगता है कि अब आपकी गाड़ी सर्विस आ चुकी है आप। और यहाँ पर अपर डीपर मिल जाता है, नीचे की तरफ आपको हॉर्न देखने को मिल जाता है और पार्किंग लाइट सब वैसे ही है, ये BS4 मॉडल की तरीके है। और हॉर्न की बटन आपको अलग लुक में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो इनका इंजन है ये भी बहुत ही बढ़िया लुक देने वाला है, क्योंकि ये सेल्फ के साथ और किक के साथ दोनों ही बनाए गए हैं, बहुत ही अच्छा लुक देने वाला है। इसका जो साउंड क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। और इसकी जो किक है वो ज़्यादा बाहर है, इस वजह से आपको लगाने में आसानी होगी। और बहुत ही अच्छा इन्होंने इंजन बनाया हुआ है। यहाँ पर आप इनको फुटरेस्ट देख पाएंगे, एक अलग ही कलर देने वाले हैं, भूरे रंग के इनके फुटरेस्ट हैं। शॉकर ऑब्जेक्शन बहुत ही बढ़िया दे रखा है इन्होंने पीछे वाले कि ताकि आपको झटका ना लगे। आगे भी बहुत ही ज़्यादा स्पेस खाली रह गया है कि आपको बैठने में कोई दिक्कत ना हो। आप इनके अलॉय व्हील भी देख पाएंगे, बहुत ही अच्छे दे रखे हैं। इन्होंने किनारे पर एक लोगो दे रखा है जो कि बहुत ही अच्छा लुक देने वाला है। और इनके जो जुपिटर लिखा हुआ है वो भी क्रोम फिनिश से लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा
दे रखा है इन्होंने, और इन्होंने सलेंसर के ऊपर एक छोटी सी स्टील की प्लेट लगा रखी है ताकि जो है देखने में भी अच्छा लगे, और जो इनकी सीट है वो भी बहुत ही अच्छी इन्होंने बना रखी है। इसका इंजन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही जल्दी ये गाड़ी आगे भाग सकती है और बहुत ही ज़्यादा लुक देती है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अपर डीपर दोनों एक साथ नहीं चलते हैं और आपको अपर डीपर देने के भी चांसेस ज़्यादा मिल जाते हैं। आप इनके अलॉय व्हील और सारी बटने भी इनकी देख पाएंगे, इंडिकेटर, हॉर्न्स, और यहाँ पर जो इनके अलॉय व्हील है बहुत ही अच्छे लुक देने वाले हैं आपको, और जो बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत ही कंफर्टेबल होने वाला है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि चाबी कहाँ पर लगती है, चलिए देखते हैं उसको भी। तो अभी आप आगे के दिन फ्रंट में देख पाएंगे, चाबी के आगे आपको एक लटकाने के लिए थैली वैली लटकाने के लिए आपको एक होल्डर मिल जाता है, और एक नीचे सीट के नीचे भी एक होल्डर मिल जाता है, और सीट में भी कई स्पेस है, और आपको किनारे यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, लेकिन आपको लगवाना पड़ेगा अलग, एक्सेसरीज में नहीं आता वो। तो अभी आप यहाँ पर इसके फ्रंट फुट रेस्ट देख पाएंगे कि पैर रखने वाले में कितनी जगह खाली है, और यहाँ पर आपको चाबी घुमा करके डिग्गी खुल जाती है, यहाँ पर आप देख पाएंगे, और इनकी जो सीट है वो भी बहुत ही बढ़िया है। आप इनकी जो